हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनीता वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने इससे पहले वाले वीडियो में मुझे बहुत प्यार दिया, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वॉलपेपर को कैसे लगाएं और मैंने उसे पपड़ी वाली दीवार पर, सीलन वाली दीवार पर लगा कर दिखाया था और वो जो वॉलपेपर है अभी तक लगा हुआ है और करीब 1 साल हो गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देंगे तो बीच में आधी चीज़ें छूट जाती हैं। तो आज हम वॉलपेपर से रिलेटेड जितने भी आपके कमेंट्स आए हैं, आपके कमेंट्स से रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम आप एक वीडियो बना के दीजिए वॉलपेपर के ऊपर, कि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, वॉलपेपर कैसा होता है, क्या होता है, किस नाम से मिलता है, कहाँ मिलेगा और कहाँ इसको लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारे जो सवाल हैं आज मैं आपको वो बताऊंगी और उनके सवाल भी दूंगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं ही इसको खुद लगा रही हूँ वॉलपेपर को। ऐसा कुछ नहीं है कि इसे पर्टिकुलर कोई एक जो एक्सपर्ट है वही लगा सकता है, इसे आप भी लगा सकते हैं। और ये जो वॉलपेपर है इसका नाम है, ये सेल्फ एडहेसिव और नॉन एडहेसिव दो प्रकार के वॉलपेपर आते हैं। जो सेल्फ एडहेसिव होता है उसे हम खुद भी लगा सकते हैं, दूसरे को भी खुद ही लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हमें ग्लू की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक स्टिकर टाइप होता है और स्टिकर को अगर आप हटाएंगे तो ये चिपक जाता है, इसमें ग्लू ऑलरेडी लगा हुआ होता है। और जो नॉन एडहेसिव जो वॉलपेपर होते हैं उनके अंदर, उनके जो पीछे होता है वो ग्लू नहीं होता है, वो एक सिंपल शीट होती है। जैसे मान लीजिए इसी को ही मान लीजिए, इसके पीछे ग्लू नहीं है, बस ऐसी एक शीट होती है और उसके पीछे ग्लू नहीं होता है। उसकी थोड़ी शीट जो है वो थोड़ी मोटी भी होती है, इससे आप अच्छी वैरायटी मान सकते हैं उसको। जैसे अगर आप मार्केट से ख़रीदेंगे तो आपको ज़्यादातर वैसे ही मिलेंगे और ये हर रेट में मिल जाएंगे आपको, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा। तो दो, एक बात क्लियर हो गई, नॉन एडहेसिव और सेल्फ एडहेसिव। तो जो नॉन एडहेसिव होते हैं उसके लिए भी कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैडम इसको हम कैसे लगाएं अगर हम इसे मंगा लेते हैं। तो देखिए, कुछ वॉलपेपर जो होते हैं नॉन एडहेसिव, उसके साथ ग्लू जो पाउडर होता है वो उसके साथ में आता है और उसमें मेंशन होता है कि भाई ये पाउडर आपके साथ आएगा। अगर बाय चांस वो नहीं आता है उसके साथ तो आप उसे कहाँ से ख़रीदें? जहाँ पर पेंट मिलता है या फिर जहाँ पर फेविकोल मिलते हैं बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादातर पेंट वाली दुकान पर ही मिलते हैं, तो आप अगर वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं। इसको बोलते हैं पेस्टिंग पाउडर। तो अगर पेस्टिंग पाउडर आप लेके आते हैं, उसे पानी में घोलिए, उसमें फेविकोल भी डलता है और उसको किस तरीके से बनाना है, अगर आप उसका वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका वीडियो बनाकर दूंगी। एक क्वेश्चन हो गया, आप दूसरा शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको चिपका भी रहे हैं, साथ में आप वो भी देख सकते हैं कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ चिपकाते तो कैसे हैं इसको। तो आप इसे कहाँ लगा सकते हैं? आप इसे वैसे तो पुट्टी वाली दीवार पर ही लगाइए। अगर आपका नया घर है और आप अपने नए घर में लगाना चाहते हैं तो दीवार पर पुट्टी होना अच्छा होता है। उससे क्या होगा, एक तो दीवार स्मूथ रहेगी और उससे पकड़ अच्छी रहेगी, आपका जो वॉलपेपर है उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। और इसकी लाइफ के बारे में अगर बात करें तो 6 से 7 साल ये कहीं नहीं जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ आपको, ये इसका जो कलर है वो ना तो वो फेड होता है, ना इस पे कोई निशान होते हैं। अगर इस पे बच्चे निशान कर भी देते हैं, जैसे मैं इस पर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा दीवार को ख़राब कर रखा है पेंसिल वगैरह से लिख कर, तो मैं इसलिए लगा रही हूँ। अगर इस पे अगर बच्चे लिखते हैं या फिर कुछ भी कर देते हैं तो आप उसे पानी से, साबुन से साफ कर सकते हैं। ये वाटर प्रूफ होता है, ऑयल प्रूफ होता है, ऑयल का पानी का इस पर असर नहीं होता है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन वो क्लियर हो गया। लेकिन आप इसे पानी वाली जगह पर नहीं लगा सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गीली दीवार है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी रिसता है, वहाँ नहीं लगा सकते। लेकिन जहाँ अगर सीलन आ रही है, सीलन और पानी रिसना दोनों अलग चीज़ें हैं। एक जगह अगर ज़्यादा पानी रिस रहा है तो उसको हम पानी रिसना ही बोलेंगे, क्योंकि उस दीवार पर पकड़ नहीं होगी। लगा सकते हो लेकिन कुछ दिनों बाद वो निकल जाएगा। तो पपड़ी वाली दीवार पर भी आप इसे लगा सकते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ऐसे ही लगाया है जो अभी तक चल रहा है, करीब 1 साल हो गया है उसको
और जिस तरह से वो लगा हुआ है और वो काफ़ी टाइम चलेगा, तो इसलिए मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आपका नया घर है तो आप अच्छा वॉलपेपर लगा रहे हैं तो उस पर अच्छा वॉलपेपर ना लगाएं, सस्ता वाला लो लेवल, जैसे ये लो लेवल का तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन मतलब इसका जो रेट है वो सस्ता वाला, ये सबसे सस्ता वाला वॉलपेपर है और इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर इसकी लंबाई है और 45 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये अलग अलग साइज में और अलग अलग इसमें लंबाई चौड़ाई में मिलते हैं। तो कुछ तो आपको इससे महंगे होंगे और कम भी मिलेंगे, कुछ सस्ते भी होंगे, तो ये वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये मुझे मिला था 300 रुपये में और इसका जो रेट है वो भी कम तो होता नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ है, 300 ही रहता है, लेकिन हाँ बढ़ जरूर जाता है, कभी 400 कभी 350 ऐसे हो जाता है। और अभी जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं तो वॉलपेपर थोड़े से महंगे हो रहे हैं और ऑनलाइन भी, अगर अब सेल आती है तो उस टाइम आप चेक करें और उस टाइम अगर मंगाएंगे तो मैं तो सेल में ही मंगाया है। और इससे पहले भी मैंने 4 वॉलपेपर और मंगाए थे, वो भी बहुत अच्छे थे लेकिन वो 209 रुपये के पड़े मुझे, वो भी मैंने सेल में मंगाए थे, लेकिन वैसे उनका जो प्राइस रहता है वो 350 के करीब रहता है। तो दूसरी बात है कि आप इनको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, पुट्टी होगी तो आपका वॉलपेपर कहीं नहीं जाएगा, उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। पुट्टी नहीं है तो आप ज़्यादा अच्छा वाला वॉलपेपर ना लगाएं, यानी कि महंगे वाले वॉलपेपर ना लगाएं, आप इस तरह से वॉलपेपर लगा सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आते हैं, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही मतलब लगेगा कि हाँ ये लगा लेने चाहिए, क्वालिटी अच्छी है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब सस्ते हैं तो कम टाइम चलेंगे। तो आप ये वाला लगा सकते हैं, अगर आपका नया घर है तो आप अच्छे वाले लगाना चाहते हैं तो पुट्टी होना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप इसे ऐसे ही लगा रहे हैं तो पेंट होना ज़रूरी है, कोई सा भी पेंट हो। जिस पे मैं लगा रही हूँ ये डिस्टेंपर है, लेकिन आप देख रहे हैं बीच बीच में से इसका पेंट भी निकला हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सीमेंट पर कभी नहीं लगेगा, चाहे आपका सीमेंट निकल रहा हो, पेंट के बाद जो सीमेंट दिख रहा है उस पर भी नहीं लगेगा, और अगर आपकी नई दीवार है, सीमेंट प्लास्टर करवाया आपने, उस पर भी ये नहीं चिपकेगा। तो एक ही क्वेश्चन आपका हो गया है। दूसरी बात, इसको वॉल टॉप भी बोलते हैं, वॉलपेपर भी बोलते हैं, 3D वॉलपेपर भी बोलते हैं। तो आप इसे, ये वैरायटी है इसकी, आप इसमें खरीदते कि मैंने पीछे का स्टिकर लगाया हुआ है, सेम वो ऐसा ही होता है जैसे ये है, बस वो कलर में है और उसको भी इसी तरीके से लगाया जाता है। तो स्टिकर इस टाइप के होते हैं, वॉलपेपर ऐसा होता है, PVC वॉलपेपर भी इसी को ही बोलते हैं, वॉल टॉप भी इसी को ही बोलते हैं। और आप इसे ऑनलाइन और मार्केट दोनों जगह से आप इसे खरीद सकते हैं। और ये देखिए, आप इसको चिपकाते समय हथेली का इस्तेमाल करें, उंगलियों का इस्तेमाल ना करें, और उसको थोड़ा थोड़ा खींचते जाएं इस तरीके से और चिपकाते हुए चले जाएं। इससे पीछे जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं, मेरे बेटी ने फाड़ दिया, अगर आप इसे निकालते हैं तो क्या होगा ना कि वॉलपेपर नहीं निकले, वॉलपेपर के साथ साथ आपका जो पीछे पेंट पुट्टी जो भी है वो निकलेगा और वॉलपेपर ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे किचन में लगाएं, आप इसे बाथरूम में लगाएं, उसके टाइल्स के ऊपर, तो आप इसे निकाल सकते हैं और दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे पेंट के ऊपर लगाया तो आप इसे दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा क्या हम इसे किचन में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, आप इसे किचन में लगा दीजिए, ये आग को नहीं पकड़ता है जल्दी से, अगर भी जलाओगे तो जलेगा ही, बट सिक्योरिटी है इसमें इतनी, वाटर प्रूफ है, ऑयल प्रूफ है, तो किचन में ये सब चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो आप इसको लगा सकते हैं। नहीं तो किचन के लिए अलग से वॉलपेपर भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी और मार्केट में भी, और आप इसे फ्लोरिंग में भी लगा सकते हैं, और इसके बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन अभी आ रहे हैं। तो सारे जो आपके सवाल हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और दूसरी बात रही रेट की, तो भैया रेट तो ऐसे हैं ना कि बदलते रहते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, और हर दुकान का रेट अलग होता है, ऑनलाइन भी रेट अलग अलग होते हैं। तो मैं तो फ्लिपकार्ट से करती हूँ शॉपिंग, तो वहाँ से क्या है कि भाई सेल जब आती है तो सस्ते हो जाते हैं, सेल नहीं रहती है तो 350 तक भी चले जाते हैं, और जो इनके जो साइज़ हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कुछ कम छोटे वॉलपेपर होते हैं, महंगे होते हैं, तो वो डिज़ाइन के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ये वॉलपेपर मैंने मंगाया है बहुत ही अच्छा है, और दीवार पर चिपकाने के बाद
आप देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है। आप चाहे 3D वॉलपेपर लगाएं चाहे कोई सा भी लगाएं, दो ही टाइप के होते हैं, नॉन एडहेसिव और एडहेसिव। तो आप कोई भी मंगा लीजिए। अगर आपने नॉन एडहेसिव मंगाया तो आपको पेस्टिंग पाउडर खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज आपको खुद नहीं कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।